हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। DBET CBT एग्ज़ाम के लिए जो MCQ सीरीज हम चला रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, उस चैनल के उस वीडियो की कड़ी में और एक वीडियो हम जोड़ने जा रहे हैं। तो अब तक हम जो इतने भी वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में सभी चार ऑप्शन पढ़ा करते थे। आज से हम चार ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उससे वीडियो जो है थोड़ा लंबा होता है। तो उसको लंबा न होने के लिए, उसको थोड़ा कम रखने के लिए हम खाली जो राइट आंसर है उसी पर फोकस करेंगे, वही आपको ऑप्शन में बताया करेंगे। बाकी के जो तीन ऑप्शन बचे उसको हम यहाँ पर रीड नहीं करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका भी टाइम बचेगा, वीडियो का भी टाइम बचेगा और वीडियो थोड़ा छोटा होगा। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क बाय एक्स, तो एक्स के द्वारा जो पार्ट मार्क किया गया क्वेश्चन क्रमांक एक है, इस पार्ट का नाम आपको बताना है, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है वो आपको बताना है। इसमें चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपको चुनना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक बी रहेगा, मतलब लेंथ ऑफ बेड रहेगा, ठीक है। ऑप्शन क्रमांक बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ द मार्क बाय एक्स, तो ये इस पार्ट का नाम अभी आपको बताना है जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया है। तो इसका जो नाम रहेगा ऑप्शन क्रमांक टू, क्वेश्चन क्रमांक टू का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक डी रहेगा, लेंथ बिटवीन सेंटर, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट द मार्क बाय एक्स, तो इस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो इस पार्ट का नाम क्या है, तो लेथ मशीन के बारे में सभी क्वेश्चन रहेंगे आपको। तो डिटेल में जो क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर करेंगे वो लेथ मशीन के लिए रहेंगे, जो कि फिटर टर्नर मशीनिस्ट और अदर मैकेनिकल ट्रेड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्वेश्चन क्रमांक थर्ड है और थर्ड में जो पूछा गया है कि इस पार्ट का नाम जो कि एक्स के द्वारा मार्क किया गया है, उस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक सी हो जाएगा, इसको फिश शॉप लेवर बोला जाता है, ठीक है, फिश शॉप लेवर। इसके बाद जो है क्वेश्चन क्रमांक फोर है, तो क्वेश्चन क्रमांक फोर में दिया गया है कि इसका जो पार्ट है वो पार्ट दिखाया गया आकृति में, इस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्रमांक फोर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, इस पार्ट को लीड स्क्रू लीवर बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक फाइव है, वेज गियर यूनिट द फीड चार्ट इज फिक्स ऑन द कास्टिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक फाइव को ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, क्विक चेन गियर बॉक्स, ठीक है, क्विक चेयर गियर बॉक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन क्रमांक सिक्स है, तो इसमें भी आपको इस पार्ट का नाम आपको बताना है, इस पार्ट का नाम क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्रमांक सिक्स है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, स्पिंडल गियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्रमांक सेवन है, हाउ मच द एंड कटिंग एज एंगल ऑफ लेड टूल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन क्रमांक सेवन का, तो क्वेश्चन क्रमांक सेवन का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट विल बी द नोज ऑफ एज एंगल ऑफ लेड टूल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन क्रमांक बी हो जाएगा, मतलब 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, नहीं सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ऑप्शन क्रमांक डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90 डिग्री। व्हाट इज द नोज ऑफ एज एंगल ऑफ लेड टूल, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, तो क्वेश्चन नंबर नाइन में इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया है, तो इस पार्ट का जो नाम रहेगा वो क्वेश्चन क्रमांक नाइन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक बी, इसको टॉप स्लाइड बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टेन है, तो क्वेश्चन नंबर टेन में इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया है, तो इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, तो इस पार्ट को हम हेड स्टॉक बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेड स्टॉक। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच गियर इज फिल्टर्ड टू द मेन स्पिंडल एंड आउटसाइड द हेडस्टॉक कास्टिंग, तो क्वेश्चन क्रमांक 11 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन क्रमांक ए हो जाएगा, मतलब स्पिंडल गियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि व्हाट इज नेम ऑफ द गियर यूनिट ऑफ द लेथ विच कंस्टिट द थ्री गियर्स इज हैविंग सम नंबर ऑफ टीथ, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 को ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, मतलब थंबनेल गियर यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, विच गियर यूनिट इन अ लेथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्सिंग गियर यूनिट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिवर्सिंग यूनिट किसको बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इसका जो ऑप्शन नंबर डी है टम्बलर गियर यूनिट, इसको जो है रिवर्सर गियर यूनिट भी बोला जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि विच गियर गेट्स द ड्राइव फ्रॉम द लेथ मेन स्पिंडल गियर थ्रू द टर्मिनल गियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्मिनल गियर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड गियर। ठीक है, फिक्स्ड गियर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट सेट गियर्स इज अवेलेबल इन द लेथ, द पर्पज ऑफ फिट चेंजिंग एज एन एडिशनल यूनिट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेंज गियर यूनिट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, विच यूनिट ऑफ फीड मैकेनिज्म अपर लेथ प्रोवाइडेड डिफरेंट फीड रेट्स कैन बी गिवन टू द टूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब क्विक चेंज गियर बॉक्स। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क बाय एक्स। तो एक्स के द्वारा जो पार्ट मार्क किया गया, इस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लेंथ बिटवीन सेंटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क बाय एक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पार्ट का नाम क्या है आपको बताना है। तो इस पार्ट का जो नाम रहेगा, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक डी रहेगा, मतलब स्वेल बेस रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे 18 क्वेश्चन पार्ट लेवल 1 के अपने यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अभी लेवल 2 के क्वेश्चन हम देखते हैं, तो चलो लेवल 2 स्टार्ट करते हैं। तो लेवल 2 में जो रहेगा, लेवल 2 में पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लेथ इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन के लिए कौन सी लेथ सुटेबल होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन एक का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक डी हो जाएगा, क्राफ्टन एंड टर्थ लेथ। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 2 रहेगा, विच मशीन टूल रिमूव द मेटल फ्रॉम रिवॉल्विंग वर्क पीस विद द स्टेशनरी कटिंग टूल। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक ए रहेगा, मतलब लेथ रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन क्रमांक ए लेथ है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 3 है, तो क्वेश्चन क्रमांक 3 में पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द लेथ टू होल्ड कटिंग टूल्स ड्रिल रिमूव ड्रिल चक प्रोवाइडेड विद द टेपर शैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक सी रहेगा, मतलब टेस्टॉक रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन क्रमांक 4 है, क्वेश्चन क्रमांक 4 में दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क बाय एक्स। तो एक्स के द्वारा जो पार्ट मार्क किया गया, इसको क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन क्रमांक 4 का ऑप्शन क्रमांक ए रहेगा, इसको टेस्टॉक बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडी रेस्ट इन अ लेथ। तो स्टडी रेस्ट इन द लेथ, मतलब स्टडी रेस्ट का लेथ मशीन पे क्या पर्पज रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, टू सपोर्ट द लॉन्ग जॉब। तो लंबे जॉब को सपोर्ट करने के लिए स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, विच टूल एंगल ऑफ लेथ आर ग्राउंड ऑन टूल कंट्रोल द ज्योमेट्री ऑफ चिप फॉर्मेशन। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा, टॉप और बैक रैक एंगल। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक सी रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में रहने वाला है कि विच टूल एंगल इज ग्राउंड ऑन पार्टिंग एंड अंडरकट टूल बोथ साइड। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन क्रमांक सी रहने वाला है, साइड रिलीफ एंगल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द लेथ प्रोवाइड साइड वे अप ऑन विच ऑपरेटिंग यूनिट कैन बी मूव। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक बी रहेगा, लेथ बेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच पार्ट ऑफ द लेथ प्रोवाइडेड मेन सपोर्ट द टूल रेस्ट विच होल्ड द कटिंग टूल। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक एक ये रहेगा, मतलब टॉप स्लाइड रहेगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, विच पार्ट ऑफ द कोन पुली हेस्टॉक इज एंगेज फॉर रिड्यूसिंग द स्पिंडल स्पीड। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक डी रहेगा, बैक गियर यूनिट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विच वे द कैरे स्लाइड इन द लेथ। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, लेथ बेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, विच पार्ट ऑफ द लेथ कंटेन द मैकेनिज्म आर मूविंग द मूविंग एंड कंट्रोलिंग द कैरेज। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, द एप्रॉन। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मैकेनिज्म द मूवमेंट ऑफ कैरेज फॉर स्क्रू कटिंग इन इज एक्टिवेटेड। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हाफ नट मैकेनिज्म।
तो यहाँ पे जो पार्ट टू के क्वेश्चन है यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। अभी हम पार्ट थ्री के जो दो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं और वीडियो को समाप्त कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट थ्री। तो पार्ट थ्री में दो ही क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच टूल एंगल इज ग्राउंड द प्रेवेंट द टूल रबिंग फ्रॉम द वर्क इन अ लेथ, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक बी रहेगा, क्लियरेंस एंगल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो विच टूल एंगल इज अ लेथ विल द कटिंग एज इन केस ऑफ इंक्रीज ऑफ द एंगल, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन क्रमांक बी ही रहेगा, मतलब क्लियरेंस एंगल रहेगा। तो देखो 10 मिनट का वीडियो यहाँ पे बना है, इतने सारे क्वेश्चन लेने के बाद भी अगर चारों ऑप्शन पढ़ता तो ये वीडियो अपना 25-30 मिनट का बन जाता था। तो अभी हम आज से यही करेंगे कि जो करेक्ट आंसर वही पढ़ेंगे, और इसी के साथ अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।